कोई भी जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद से उसे टीका देना शुरू हो जाता है। यह टीका 1 साल से लेकर 10 साल तक दिया जाता है। इस दौरान कई टीके लगाए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये कौन कौन से टीके होते हैं? तो आइए जानते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव विशाल सर से कि ये कौन कौन से टीके हैं। नमस्कार। ठीक है, जनरली टीकाकरण भारत में हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सरकार के द्वारा लगाई जाती है हर बच्चों को। नवजात बच्चों का टीकाकरण जन्म से शुरू हो जाता है। जन्म के पहले दिन 24 घंटे के अंदर हम लोग BCG, पोलियो, ओरल पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। BCG हम जनरली TB से की बीमारी से बचाव के लिए लगाते हैं। ओरल पोलियो की वैक्सीनेशन हम लोग पोलियो से बचाव के लिए लगाते हैं। और हेपेटाइटिस बी एक जॉन्डिस करने वाली वायरस होती है जो माँ के खून के द्वारा बच्चे में फैल सकती है, तो उसके लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण लगाते हैं। उसके बाद जनरली हम 1.5 महीने पे फिर बच्चों को बुलाते हैं। उसमें बच्चों को हम सुई के द्वारा टीका लगाते हैं, ठीक है, और एक ओरल ड्रॉप देते हैं। जनरली सुई में हम लोग बच्चों को DPT, ठीक है, डिप्थेरिया, परतूसिस, काली खांसी, टेटनस, पोलियो का इंजेक्टेबल प्रिपरेशन IPV के रूप में पोलियो की, ये है। फिर हिप, एक निमोनिया का बैक्टीरिया है जिसको हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी कहते हैं वो, प्लस निमोनिया का PCV की वैक्सीनेशन जो कुछ सालों से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसके इसके बारे में, और हेपेटाइटिस बी का फिर से एक डोज हम लोग देते हैं बच्चे को 1.5 महीने की उम्र में। मुंह से रोटा वायरस पिलाते हैं। रोटा वायरस एक लैटरिन करने वाली वायरस होती है जो बच्चों में, खासकर हम भारतवर्ष में देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा परेशानी करती है। शुरुआत में 10 होने के चांस ज्यादा होती है जिसके लिए रोटा वायरस। तो इन सब बीमारियों के लिए टीका हम लोग लगाते हैं। फिर 10वें हफ्ते मतलब 2.5 महीने पे फिर से ये टीका हम लोग दोबारा लगाते हैं जो 1.5 महीने पे लगाए हमने, रिपीट डोज करते हैं उसका, और फिर एक और बूस्टर डोज हम लोग 3.5 महीने पे बच्चों को लगाते हैं। तो शुरुआती 6 महीने के अंदर हम लोग बच्चों को 4 बार टीकाकरण के लिए अस्पताल बुलाते हैं। एक टीकाकरण जन्म पे ही लग जाता है, फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने। ये हर आंगनवाड़ी केंद्र पे भी उपलब्ध है। सही, जो नर्सेज होती है ANM नर्सेज, ANM दीदी होती हैं, ये आपके आंगनवाड़ी संस्थान जहाँ पे भी होगी वो एक निर्धारित दिन के दिन वो आपको आकर हर बच्चों को टीका देती है। उसके बाद हम लोग बच्चों को 9 महीने पे बुलाते हैं। 9 महीने पे ये टीका होती है मीजल्स मतलब एक छोटी माता जी का टीका। साथ में हम लोग बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाते हैं और अब निमोनिया का PCV का एक और डोज, थर्ड डोज हम लोग इसके साथ देते हैं। उसके बाद और हाँ, जैपनीज एनकेफलाइटिस, कुछ क्षेत्र में भारत में कुछ जगहों पे जैपनीज एनकेफलाइटिस का भी टीका 9 महीने पे लगाया जाता है पहला डोज। फिर बच्चों को हम लोग 1.5 बरस पर बुलाते हैं। 1.5 बरस में टीका में सब चीज का बूस्टर हम लोग लगाते हैं। बूस्टर में पोलियो का बूस्टर लगाते हैं, ठीक है, DPT का बूस्टर लगाते हैं, और फिर हम लोग विटामिन ए की ड्रॉप हम लोग देते हैं बच्चों को। तो ये चीजें हैं, इन बीमारियों से, ये सब बहुत ही घातक बीमारियां होती है जिनके टीकाकरण के द्वारा हम लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर 5 साल पे फिर बच्चों को हम लोग बुलाते हैं और DPT का बूस्टर हम लोग बच्चे को देते हैं। और 10वें साल पर हम लोग DT बूस्टर कहते हैं हम लोग, 10वें साल पे बच्चों को DT बूस्टर देते हैं। अभी कुछ वैक्सीनेशन हमारे पाइपलाइन में है जो सरकार द्वारा कुछ दिनों में या कुछ सालों में हम ऐड हो सकती है और नई वैक्सीनेशन सुविधा और इसमें जोड़ी जा सकती 10वें साल में दिए जाने वाला टीका वो क्या किस चीज के लिए होता है? है डिप्थेरिया और टेटनस के टीके जनरली 10वें साल में हम लोग लगाते हैं। डिप्थेरिया एक्चुअली एक खांसी होती है, काली खांसी जैसी होती है जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है और एकदम टॉन्सिल्स उनके बढ़ जाते हैं, तो ये है। और टेटनस जनरली अनुमान आप लोग जानते होंगे कि किसी भी कटने छिलने पे सरफेस से टेटनस लगता है, तो इसके लिए हमें 10वें साल पे DT वैक्सीनेशन देते हैं।